वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्चून गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, सो पूरी देखिएगा। ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू विन ग्रैंड लीग। बहुत लोगों का, चाहे वो पहला दिन है, चाहे जो 4 साल से खेल रहा है या 5 साल से या 2 साल से या 1 साल से, हर किसी का सपना होता है कि वो ग्रैंड लीग जीते। सो कैसे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, सो आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर आज पर्दाफाश करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स, बहुत यूट्यूबर्स हैं यार, मैं कहता हूँ 10 में से 8 लोग ये कहते हैं कि ड्रीम इलेवन फेक है और ड्रीम इलेवन या और कहीं पे भी आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, स्मॉल लीग पर आप इन्वेस्टमेंट करें। सो क्या ये बात सच है या नहीं, सो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, आप यूट्यूबर्स से अगर आप किसी की वीडियो देखते हो सो आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो और फिर जो बात सही कहते हैं ऐसा लगता है कि यार ये सही बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा गलत है। आप में से बहुत लोग हैं जो अब ग्रैंड लीग खेलना ही छोड़ चुके हैं। रीज़न है कि आपको लगता है कि आपने इतना नेगेटिव माइंडसेट हो गया है कि आप ग्रैंड लीग जीत ही नहीं सकते हो, सो आपको लगने लगता है कि ये टीम्स जो हैं घपला कर रही हैं। यार बहुत बड़ी कंपनी है ये और आपसे कमीशन लेते हैं, सो ये घपला नहीं करते। मैं उसका प्रूफ अभी दिखा देता हूँ। यूट्यूबर्स जो होते हैं वो इसलिए आपको मना करते हैं क्योंकि उनके बस की है ही नहीं आपको ग्रैंड लीग में आप विन करा सकें। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें आज दिखाता हूँ। ये है माय टीम 11। चलो इसी मैच की बात कर देते हैं। ये है पाकिस्तान यंग वर्सेस साउथ अफ्रीका यंग। आज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इस मैच को कवर करो, सो मैंने इस मैच की ग्रैंड लीग टीम अपनी टेलीग्राम चैनल पर दे दी। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है फैंटेसी फॉर्चून, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वरना आप सर्च कर लीजिएगा। और देखो, सिर्फ एक टीम दी कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, रैंक 24 चल रही है और रैंक बड़ी ग्रैंड लीग में 500 से कम। ये इसलिए क्योंकि हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चला। चलो ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, ये तो अभी बस खुला हुआ था, सो मैं देख भी नहीं रहा था, एकदम से ध्यान आया, वो आज उसमें भी तो लगाया था, तो चेक कर लूँ रैंक, सो एकदम मैं अमेज हो गया। चलो वो छोड़ो, अब हम बात कर लेते हैं कल रात के मैच की। कल रात का मैच यार, 1.5 लाख लोग, आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख लोग। मेरी रैंक कितनी है, 66। 1.5 लाख लोगों में मायने रखती है। आपके कोई से भी पेड टीम प्रोवाइडर यूट्यूबर कोई नहीं होगा जो इतनी रैंक ला सकता है, हम लाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैच की, अभी मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखाता रहूँगा, आप दंग हो जाओगे। ये देखो, अब जो लोग कहते हैं कि ये फेक होता है, कि आपको इसका फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख रुपये था, जो लोग कहते हैं ये फेक होता है और ये अपनी टीम लगाते हैं, अब देखो इसमें मेरे सारे प्लेयर बहुत अच्छा करके गए हैं एक्सेप्ट टैमी ब्रोमोंट। अगर इसकी जगह मैंने सी नेशन ली होती तो ये ग्रैंड लीग मेरी होती, कोई नहीं रोक सकता था मुझे जीतने से। सो यानी कि अगर आपकी टीम अच्छी है सो आप ग्रैंड लीग विन करोगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। सो दिमाग से बात निकाल दो कि घपला होता है, ये टीम्स होती है। अगर इस माइंडसेट से खेलोगे सो आप कभी जीत ही नहीं सकते। आपका काम है सिर्फ 13 प्लेयर, मतलब 11 तो आपके प्लेयर और एक कैप्टन वाइस कैप्टन, सो समझ लो एक पज़ल है और आपको ये 13 पीसेस जोड़ने हैं। जिस दिन आपने जोड़ दिए आप ये ग्रैंड लीग विन कर जाएंगे। चलो ये तो होगी मेगा ग्रैंड लीग की। अगर यही टीम मैंने, अब ये देखो ये 29 रुपये वाले जो कॉन्टेस्ट हैं, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं ठीक है, या फिर ये देखो इसकी भी बात कर लेता हूँ, ये है 1.5 लाख लोग। अगर इसमें मैंने अपनी वो टीम लगाई होती सो इसमें भी वो टॉप 20 या टॉप 30 में आ जाती। और हम बात कर लेते हैं ये 29 रुपीज़ वाले कॉन्टेस्ट में। कल ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम पे मैं इनकी लाइनअप काफ़ी लेट आई थी, सो मैं इतने में 6 टीम क्रिएट कर रहा था, इतने में 29 वाली लीग फुल हो गई और जैसे ये फुल हुई मैं ज्वाइन नहीं कर पाया और ये मेरी 6th टीम थी। अगर ये देखो 590 पॉइंट्स हैं, इसका टॉप वाला 587। अगर मैंने ये वाली टीम इस बारे में लगा दी होती सो ये 500 लोगों की मिनी ग्रैंड लीग तो मैं विन आराम से कर जाता। चलो ये तो हो गया सिर्फ एक मैच, जिम्बाब्वे का मैच, ग्रैंड लीग फर्स्ट रैंक और ये मेगा ग्रैंड लीग में 69। ठीक है, सो इसमें मैंने ग्रैंड लीग विन करी। ये मैंने सेम टीम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी, जिसने खेला होगा अच्छा विन किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पिछले कुछ मैचेस की, जहाँ मैं आपको डेली की आपकी रैंक दिखाता हूँ, ताकि जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं उन लोगों को ये ना हो कि मैं आपको फालतू में बता रहा हूँ कि मैं खुद कभी जीता हूँ या नहीं जीता हूँ। बहुत लोगों को ऐसी बातें लगती है, सो मैं पहले ही आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सेफ़ वीडियो देख रहे हो, सेफ़ हाथों में हो आप, कि आपका कोई यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है जैसा बहुत यूट्यूबर्स करते हैं। सो अभी आपको दिखाता रहता हूँ, ये तो मैंने दिखाई दिया रैंक 1, हमने कल ही हमारी ग्रैंड लीग विन हुई है। अभी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि
एक सेकंड आप वेट करिएगा, अभी फुटबॉल का भी मैं आपको दिखाऊंगा रिजल्ट हमारा, ये एक दो दिन पहले का ही है रिजल्ट। ये टीम थी वो मैंने शेयर करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर जो विन करी है, जिसने विन करा है। अब हम हमारे फुटबॉल के मैचेस भी बहुत अच्छे होते हैं। अब आप देख लीजिए रैंक 8 फुटबॉल में आई है, ये रैंक 20 आई है, और ये पिछले मैं अभी 10 दिन से ये भी स्टार्ट किया है, सो ये पिछले 5-7 दिन के रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको। इंडिया के मैच में मेरी पिछले इंडिया के मैच में रैंक 3 आई थी भाई, सो वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी दूंगा अभी आपको। बस एक मिनट देखिए, मैं आपको सारे आपके डाउट्स। ग्रैंड लीग 16 फिर मिस हो गई ग्रैंड लीग, ये सारे प्रूफ जो हैं ये हमारे चैनल पर ही हैं। रैंक 8, रैंक 1, ये से रैंक इंडिया के मैच में रैंक 3 आई थी। सो देखो अब इतने सारे मैचेस, ये पिछले कुछ मैचेस के रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें देखो ऐसा होता है, ये मेरी किस्मत है कि मैं ग्रैंड लीग मिस कर रहा हूँ पिछले कुछ दिन से, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होगा। अगर आप एक आधा प्लेयर चेंज करोगे तो आप इजीली विन कर जाते हो। हाँ, हमारी टीम के साथ या तो आप ग्रैंड लीग मोस्टली विन करते हो, या फिर आप जो हमारी टिप्स हैं, या फिर आप टॉप 20 में आते हो। सो अब ऐसा होता है कि यार देखो, टॉप तक लाना स्किल का काम है, आपके आपने जो मेहनत करी है, आपके जो एनालिसिस हैं, जो आपके प्रिडिक्शन है, वो आपको टॉप में लाते हैं, लेकिन रैंक 1 लाना किस्मत का काम है। अगर आप महीने में भी, अगर आपकी एक दिन भी किस्मत साथ दे जाए, और अगर आप एक दिन भी ग्रैंड लीग आप जीत जाओगे, सो भाइयों आप सोचो कितना पैसा आता है। यही, और अगर स्मॉल लीग में आपको डेली किस्मत चाहिए होती है, हम स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेली करते हैं और अच्छा रिजल्ट जा रहा है, सो आप वो भी सब कुछ चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ग्रैंड लीग में। यार ग्रैंड लीग में 10% आपका जो डेली बजट है उसमें उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज़ करो आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो 400 से आप स्मॉल लीग खेल लो और 100 रुपये से आप ग्रैंड लीग खेल लो। क्योंकि अगर देखो 400 से आपके आपका स्मॉल लीग का रिजल्ट अच्छा गया, तो 400 से एटलीस्ट 800 तो आराम से हो भी जाएगा। और अगर आप ग्रैंड लीग 100 रुपये हार भी गए, तब भी आपने 500 से 700 रुपये कमा लिए। और लेकिन अगर ग्रैंड लीग में मोस्टली ऐसा होता है, मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे चांसेस कम होते हैं कि आप ग्रैंड लीग में एटलीस्ट पैसा तो रिकवर हो ही जाता है यार। 5 में से 3 मैच या 4 मैच में तो पैसा आराम से रिकवर हो जाता है, एक ही मैच में ही आप हारते हो। और ऐसा नहीं होता कि आप हर बार हारोगे, एक आधे मैच में आपकी रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी, आप खुद मज़ा आ जाएगा। कल ही एक हमारे सब्सक्राइबर ने जो रात वाला मैच हुआ था वुमेंस वाला, उसमें ग्रैंड लीग विन करी है, उसने 10,000 रुपये जीते हैं कल के मैच में। चलो हम बात कर लेते हैं। हाँ, अब एक चीज़ यार बहुत ज़रूरी है, अब क्या हो रहा है कि उन ग्रैंड लीग ऐप्स पर, ग्रैंड लीग वहाँ पर ना खेले नई ऐप पर, ये यूट्यूबर्स ने यार धंधा बना दिया है भाई। मुझे इतना, मैं पहले कोई मेरा रीज़न नहीं था आने का, बट मुझे फिर लगने लगा यार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गिव अवे करा रहे हैं 500 रुपये में। आप हमें कमेंट करके बताइए, उनकी वीडियो की पब्लिसिटी हो रही है और 500 रुपये यार वो दे के आपको पूरा दिन आप बस उस पर ही कमेंट करते रहते हो। आप कितने रुपये मिलते हैं आपको, 100 रुपये मिल गए, क्या होता है 100 रुपये से यार, एक अच्छी जगह आप खाना भी नहीं खा सकते 100 रुपये में। सो आप ये चीज़ों से बाहर निकलें। आप ऐसे, हम अगर आप देखना, मैं किसी भी ऐप का ना मैं प्रमोशन करता हूँ और ना मैं कोई रेफ़र, आप किसी भी ऐप का रेफ़र नहीं करता मैं, क्योंकि यार ये गलत है। लोग रेफ़र करते हैं आपको और वो अपने रेफ़र, और ऐसी गंदी ऐप पे रेफ़र करेंगे। आज तक माई टीम 11 पे किसी ने क्यों रेफ़र नहीं किया, ड्रीम 11 के अपना रेफ़र कोड क्यों नहीं देते, क्योंकि ये जो बड़ी ऐप्स हैं और इन ऐप पे इनका फेयर प्ले वॉयलेशन लगा देते हैं, अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। ये लोग करते हैं प्लेयर स्पॉट वगैरह का, जिसपे आप 100% बोनस यूज़ कर सकते हो। सो 100% मतलब अगर आपने 100 रुपये, अगर मैंने आपको रेफ़र किया और मेरे पास 100 रुपये आ गए और 1,000 लोगों ने कर दिया, सो 1,00,000 रुपये तो मेरे पास सीधा वो बोनस आ गया। लेकिन इन लोग प्लेयर स्पॉट हो गया, ऐसी जो है, ये कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज करती है और इनकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट प्राइज भी बहुत कम होता है। न्यू ऐप्स आ गई हैं, फाबूम, डॉट बॉल और पता नहीं न जाने कितनी, बेंट बॉल। अब यार इनमें ग्रैंड लीग का प्राइस आप देखोगे ना, 1,000 रुपये भी नहीं होता है फर्स्ट प्राइज। अब जैसे 100 लोगों की ग्रैंड लीग है, अब 100 लोगों 11 रुपये से ग्रैंड लीग करा दी, 200 रुपये फर्स्ट प्राइज़ है, क्या करोगे ऐसी ग्रैंड लीग जीत के? और उसमें ही लोग अपने दिखाते हैं हमने ग्रैंड लीग विन कर ली। अरे भाई 100 लोगों में तो कोई भी जीत जाएगा,
सौ लोगों से क्या है, हमें ग्रैंड लीग वो विन करनी है जिससे हमारे पास अच्छा अमाउंट है और हमारी लाइफ चेंज होए। मैं देखता हूँ इतने सारे लोग परेशान हैं आज की डेट में वो, और सबसे बड़ी बात जितने भी लॉस में हैं यार वो ये बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते। कि आप अपने पेरेंट्स से बता सकते हो कि भाई मैं 20,000 रुपये डाउन हूँ, 10,000 रुपये डाउन हूँ, 5,000, 2,000 या जितना भी आपका बजट है आप बता सकते हो? नहीं, आप किसी से बातें शेयर भी नहीं कर पाते हो और इसकी वजह से आपकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो मैं चाहता हूँ कि आपको एक सही तरीके की गाइडेंस मिले जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं कौन सी ऐप पे ग्रैंड लीग खेलता हूँ। यार मैं ड्रीम इलेवन पे अब मैंने कम कर दिया है ग्रैंड लीग खेलना। इसका ये रीज़न सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा नहीं आता, सिर्फ रीज़न ये है आजकल वो बोनस बिल्कुल नहीं देते हैं, उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके हैं सो अब कोई बोनस ही नहीं आता है। सो फिर मुझे लगता है यार ये महंगा है। और दूसरी चीज़ ड्रीम इलेवन के या तो अब आजकल के जो कॉन्टेस्ट हैं, अब जैसे देखो मैं दिखाई देता हूँ आजकल के, जैसे कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। देखो या तो कॉन्टेस्ट जो होंगे वो होंगे, अब देखो 16 लाख लोग, यार 16 लाख में तो भाई जिस दिन तुम्हारे सारे ग्रह बिल्कुल ही सही बैठेंगे ना तब जाके आप जीतोगे ये वाली लीग। या तो ये इतने लाखों लोगों वाली है, या फिर देखो अब जैसे ये हैं 1,000, ये 4,000 टीमें, इनमें देखो आप एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं यार ये 1,333 जिसमें लोग हैं 999 की, यार मैं 6 टीम उतारूंगा, 6,000 तो यार मेरे यही लग गए, इतनी तो मैं नहीं ले सकता ना रिस्क। अब देखो 10,000 रुपये इन्होंने, सो बहुत ज़्यादा हाई एंट्री है। अब जैसे ये वाला कॉन्टेस्ट मुझे बहुत पसंद था, 59 वाला इनका पहले, ये 6,666 टीम, परफेक्ट ग्रैंड लीग कॉम्बो, ये है ग्रैंड लीग, ऐसी ग्रैंड लीग खेलनी चाहिए। लेकिन पहले ये लोग क्या करते थे, ये पहले इसका फर्स्ट प्राइज होता था 1,00,000 रुपये, अब इन्होंने फर्स्ट प्राइज 10,000 कर दिया है और ये नीचे वाला बढ़ा दिया है। लेकिन यार अगर आप ग्रैंड लीग जीतोगे सो एटलीस्ट आप चाहते हो कि 50,000 रुपये तो मिनिमम आपके पास आए ताकि थोड़ा माहौल ठीक होए। सो इसलिए अब मैं ड्रीम इलेवन पर नहीं खेलता आजकल। आजकल मैं खेलता हूँ सबसे ज़्यादा माय टीम इलेवन पे। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि इसमें जो इनका बोनस होता है वो 25% आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं ये 44 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँगा सो मुझे 33 का पड़ता है। सो अगर इसमें 6 टीम उतार भी दूंगा सो मुझे सिर्फ 198 की पड़ेंगी जो मेरे लिए इतना सही रहता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा ही मैं बल्लेबाजी पर भी करता हूँ, वहाँ पर भी अच्छा बोनस मेरा यूज़ हो जाता है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। और मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, जिसने यहाँ पर खेलना है वो खेल सकता है। मैं आपको लिंक किसी भी ऐप का नहीं देता, मैं नहीं चाहता आपको गुमराह किया जाए जो कि बहुत गलत है। चलो हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि आपको ग्रैंड लीग विन कैसे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। अगर हम 6 टीम बना रहे हैं सो हम वो क्या सोच कर बनाएं, या ऐसे ही तीर लगा दें कि चल ये ले लो ये ले लो? नहीं, आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्रिडिक्शन दे सोचो आज के मैच में। जैसे देखो आज का मैच अफगानिस्तान और इंडिया का चल रहा है, किसी ने भी नहीं सोचा था यार कि अफगानिस्तान इंडिया को हरा सकती है, और जो अभी खैर टाइट मैच चल रहा है काफ़ी हद तक, तो और इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। सो आपने ऐसे ही डिफरेंट प्रिडिक्शन देने कि जैसे कल का मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, एक पेन पेपर ले लो, 6 प्रिडिक्शन ले लो कि क्या हो सकता है आज के मैच में। कि पहला लिख लो पाकिस्तान जीतेगी, टॉप ऑर्डर चलेगा और अफ्रीका का विकेट जल्दी गिर जाएंगे। सो उस केस में हम पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन और बॉलर्स लेंगे, और साउथ अफ्रीका की टीम से हम ले लेंगे ऑलराउंडर्स और एक आधा बॉलर या एक आधा बैट्समैन। सो ये परफेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर साउथ अफ्रीका जीतेगी और उनका टॉप ऑर्डर चला और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला, एक प्रिडिक्शन ये हो गया। एक हो गया कि दोनों के टाइट मैच हुआ, दोनों के टॉप ऑर्डर्स ने चले, टॉप ऑर्डर्स ने रन करें, सो हम दोनों के टॉप ऑर्डर्स ले लेंगे, एक एक ऑलराउंडर ले लिया दोनों टीम का और एक एक बॉलर ले लिया, ऐसे कुछ। सो आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। हम अपनी ड्रीम इलेवन और माई टीम इलेवन के हम कॉम्बिनेशन शेयर जरूर करता हूँ मैं, जो बहुत अच्छे जाते हैं। लेकिन हर मैच की यार देखो, हर मैच नहीं जीत सकते आप ग्रैंड लीग। आपने सोचो आप इतने टाइम से खेल रहे हो, आप कितनी बार जीते हो ग्रैंड लीग, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो हर मैच में नहीं आप जीत सकते, हर मैच में प्रिडिक्शन सही नहीं हो सकती, स्पेशली यार ग्रैंड लीग की जिसमें लाखों लोग खेल रहे हैं। गारंटी तो मैं क्या कोई आपको स्मॉल लीग की भी नहीं देता, सो हम तो ग्रैंड लीग की बात कर रहे हैं अभी। सो अब हम बात कर लेते हैं, अब आपको आ गया है कि आपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। पेपर पे लिख लो 6 तरीके कि आज के मैच में क्या क्या हो सकता है और उस हिसाब से टीम बना लो। अब हम बात कर लेते हैं कि कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना है, कि डिफरेंट कैप्टन वाइज कैप्टन रखना है, सेफ सेम वाइज कैप्टन रखना है, सेफ कैप्टन और रिस्की कैप्टन क्या होता है। ये आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा सेफ कैप्टन और रिस्की कैप्टन क्या है। मैं आपको बता देता हूँ,
अब आज आप एक बार बताओ, कुछ लोग हैं वीडियोस में, आप देख लो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सारे यूट्यूबर्स कह देते हैं या टीम प्रोवाइडर, पेड टीम प्रोवाइडर, किसी ऐसे, इनका सिलेक्शन रेट कम है, इनको बना दो कैप्टन। उनका सिलेक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि वो प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं है। अगर आज के मैच में, आज का मैच देखो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान का, लेकिन यूजुअली जैसे आज का मैच है वो मैच ना सोचो कि आज का रिजल्ट क्या आ रहा है, बट आज के मैच में अगर इंडिया की तरफ से कौन ऐसा प्लेयर है जो आपको मैच जिता सकता है, जो आज 100% रन करता ही करता, वो है विराट कोहली। जितना कंसिस्टेंट विराट कोहली है उतना कोई है ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि ऐसे प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन नहीं करा सकते, बट ऐसा गलत है। विराट 10 में से 8 मैच में रन करता है, सो अगर आप उसको कैप्टन बनाते हो अपनी हर टीम में भी, वो सेफ ऑप्शन है। आप उस वाली आप पैसे नहीं हारोगे। उसका रीज़न है वो 50% लोगों का कैप्टन होगा, सो अगर वो चलता है सो आपकी रैंक वैसे ही टॉप में आ जाएगी क्योंकि वो कैप्टन है और वो उसने मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी है। और वो नहीं भी चला सो वो आपका, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका विराट कोहली ही कैप्टन होगा, समझ रहे हो। अगर आप कोई ऐसा प्लेयर ले लोगे यार जिसकी बैटिंग बॉलिंग आती ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया, वो 15 या 20 मैच में एक बार चलेगा, हो सकता है वो चल जाए, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर आप कोई सी भी टीम का ले लो, जो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आसिफ अली, अब ऐसे प्लेयर को इनका सिलेक्शन रेट 10% होगा मुश्किल से हर मैच में, उसको आप अगर हर मैच में कैप्टन बना दो, कितनी बार होंगे वो अपने करियर में मैन ऑफ द मैच बनेगा ऐसा प्लेयर, क्योंकि उनकी ए नहीं और काबिल नहीं है, बट उसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है और वो बैट्समैन है। सो अगर आप ऐसे प्लेयर को बना दोगे, हाँ जिस दिन वो चल गया वो आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है, बट चांसेस क्या है वो कितने मैचेस में चलेगा, आप लॉस 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 करते चले जाओगे। सो भाई हमेशा सेफ कैप्टन पिक करो, रिस्की कैप्टन ना पिक करो, ऐसा कैप्टन जो इम्पैक्ट प्लेयर हो। इम्पैक्ट प्लेयर या तो मतलब वो होता है कि जो थोड़ी देर में ही गेम बदल सकता है, मैक्सवेल जैसा, वरना ऐसा प्लेयर लो जिसकी बैटिंग बॉलिंग बहुत ज़्यादा आती हो, ऐसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गया या ऑलराउंडर ऐसा हो गया जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है। सो ये होते हैं रिस्की और सेफ कैप्टन। अब बात करते हैं डिफरेंट कैप्टन बनाना है, सेम कैप्टन या कैसे। अगर देखो मैच ऐसा है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट कोई ऐसे प्लेयर हैं, जैसे इंडिया के मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर ऐसे कोई मैच है जिसमें शॉर्ट शॉर्ट प्लेयर हैं जो ये चलते ही चलते हैं, सो आप किसी एक कैप्टन को पिक कर लो। जैसे मैंने कल की सारे जो मैं वुमेन्स का मैच था, मैंने हर टीम में कैप्टन डेनियाला वाइट को बनाया था, हर टीम में। जो जिम्बाब्वे का मैच था, मैंने हर टीम में कैप्टन बनाया क्रेग अर्विन को, ठीक है। आप और कोई सा भी, मेरे को अगर और कोई अभी रिसेंट याद नहीं आ रहा, सो मैं एक कैप्टन बनाता हूँ। लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं, जैसे कल का मैच है पाकिस्तान और अफ्रीका का, दोनों ही टीमों में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा दोनों की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है कि मैं किसी एक पर दाव लगा सकूं कि यार ये पक्का ही चलेगा, ठीक है। तो वो मैं, सो मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस मैच में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ट्राई करने वाला हूं। अब मैंने कल की मैच में, मैं आपको पहले भी, हम हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं कौन सा प्लेयर अच्छा होगा। मैंने कल मैच में बता दिया था कि बेन स्टोक्स को 6 की 6 टीम में कैप्टन बना दो, सो जिसने बनाया होगा वो कल बहुत अच्छे उसकी रैंक आई होगी, बट मुझे लगता नहीं है किसी ने बनाया था क्योंकि वो थोड़ा रिस्की था, बट मुझे प्रिडिक्शन आई थी, मुझे पता चला था, तो मैंने भी बनाया उसको, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन। यार देखो मैं करता हूँ इम्पैक्ट प्लेयर, गट फीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अब क्या होता है कि यार देखो मैं स्मॉल लीग में भी, जब मैं, अब तो मैं यूट्यूबर बन गया हूँ, आप लोगों को मैं टीम देता हूँ। जैसे आज के मैच में अगर रोहित शर्मा की हम बात करें, रोहित शर्मा की इतनी हाइप बना दी थी कि आज वो 100% रन करेगा ही करेगा। सुनील गावस्कर सर ने भी बोला कि आज इंडिया के 40 ओवर तक टॉप ऑर्डर ही आउट नहीं होगा, कोई विकेट ही नहीं गिरेगा, अगर आप कमेंट्री चेक करते हैं तो, मतलब मैच से पहले उन्होंने कहा। अब एक वेबसाइट ऐसी है जो पेड प्रिडिक्शन देती है, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 98% है, मैं नाम नहीं लूंगा वेबसाइट का, 98% है कि आज रोहित शर्मा चलेगा। मैं रोहित शर्मा को नहीं बनाना चाहता था, मैं कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन नबी को रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब मुझे टीम आप लोगों को देनी पड़ती है, सो मुझे सेफ खेलना कई बार पड़ जाता है, रिस्क मैं नहीं ले पाता, क्योंकि यार मैं सपोज करो आज वाइस कैप्टनशिप में रोहित को ना देता और वो रन कर जाता, आप लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाते, आप कमेंट कर करके, यार मुझे अच्छा नहीं लगता फिर, सो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले पाता कभी कभी। सो स्मॉल लीग में ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कल रात के मैच में मैंने स्मॉल लीग में भी कैप्टन जो है डेनियाला वाइट को दिया, और हमारी स्मॉल लीग से जो हमारी कल थी उससे आप मिनी जीएल में भी रैंक 1 आराम से ला सकते थे,
आप चाहे तो टेलीग्राम पर सब चीज़ चेक कर सकते हैं, हमने दिखाया हुआ है। सो मैंने, क्योंकि मुझे पता था ये टीम जो है अगर हमारे अभी सब्सक्राइबर्स कम है, सो ये टीम में वैसे अगर सेफ कैप्टन होती सो हर कोई ने हेली मैथ्यूज़ को कैप्टन दिए बनाया हुआ था, लेकिन कल रात मुझे पता था हमारी टीम से बहुत कम लोग खेलने वाले हैं। सो मैंने अपनी दिल की सुनी और मैंने अपनी गट फीलिंग से डेनियला वाइट को बना दिया, 84 रन करके गई, क्लीन स्वीप हमने किया। क्या कहते हैं, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में भी हमने इतनी अच्छी रैंक लाई, हमारा एक सब्सक्राइबर ग्रैंड लीग भी जीत गया। सो ये है गट फीलिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग अब, क्योंकि काफ़ी लोगों को हम पर विश्वास होने लगा है क्योंकि रिजल्ट ही इतने अच्छे हैं, आपको करना पड़ेगा विश्वास, आपको उम्मीद जगने लगी है कि आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो कमेंट कर करके कहते हैं आप पूरी टीम दिया करो कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ पूरी टीम उसका। यार देखो, सिंपल सा एक रीज़न है, अभी रैंक क्लैश की तो देखो एक होता ही है कि अगर मैं पूरी टीम दे दी तो रैंक क्लैश होने के चांसेस हो जाते हैं, बट वो अभी इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम है अगर मैंने आपको, सपोज़ करो आज के मैच में, अगर जैसे विराट कोहली है, मैंने सपोज़ करो रोहित शर्मा आपको बता दिया आज के मैच में हर टीम में रोहित शर्मा को कैप्टन बना दो, और बाई चांस अगर रोहित शर्मा जैसे आज के मैच में फेल हो गया, सो यार मेरे ऊपर कमेंट्स की बरसात हो जाएगी कि आपने मेरी 6 टीम में कैप्टन इसको बनवा दिया और ये गलत हो गया। क्योंकि ग्रैंड लीग तो यार देखो आपको भी पता है, आप इतने सालों में नहीं जीते, मैं तो फिर भी आपको डेली ग्रैंड लीग हमारी रैंक दिखा रहा हूँ, कोई यूट्यूबर ग्रैंड लीग की रैंक दिखाता ही नहीं है भाई, खेलते सब हैं लेकिन दिखाता कोई नहीं आपको, लेकिन क्योंकि वो रोज़ हारते हैं, हम रोज़ इतना क्लोज आ रहे हैं ग्रैंड लीग के, आप खुद देख लीजिए, और विन भी कर चुके हैं, ये पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड है भाई, उससे पहले का तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, सो अगर अब मैंने देने लग गया सो ना लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब यार अब कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं भाई मैं ग्रैंड लीग में हार रहा हूँ, तो यार उसमें मैं क्या करूँ, अब ग्रैंड लीग में तो भाई आप क्या चाहते हो कि मैं 16 लाख लोगों में आपको रोज़ जितवा दूँ, अगर आप रोज़, आपको समझना होगा यार ये प्रिडिक्शन है, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, अगर मैं 16 लाख में रोज़ हर हर जगह जीत सकता है या 50,000 लोगों में, सो मैं तो रोज़ सारी इन्वेस्टमेंट लगा देता ग्रैंड लीग में, मल्टीपल अकाउंट से, मल्टीपल उससे, और एक दिन में ही खरबपति बन जाता। सो मैं चाहता हूँ कि, सो मैं इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देता, नहीं तो जिस दिन मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन, आप खुद ही देख लीजिए आज के मैच में मैंने, मुझे पता था कोई टीम इस टीम को यूज़ नहीं करेगा, मैंने पूरी टीम दे दी, आप देख लीजिए रैंक क्या आई है यार, आप खुद देख सकते हैं। और ये हमारा वाइस कैप्टन इसमें फ्लॉप हुआ है इस वजह से, अगर वाइस कैप्टन चेंज किया होता सो ये ग्रैंड लीग हम आज विन कर जाते। चलो ये तो कोई बात नहीं। सो ये एक टीम मैंने दी थी कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और पाक ये छोटे मैचेस की नॉलेज किसी को नहीं होती, बट एक बात बताऊँ आपको, छोटे मैच में आप सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग जीतते हो। कल जिम्बाब्वे का मैच है, काफ़ी अच्छे मैच होने के चांसेस हैं कल भी, सो कल उसमें हाई हाई चांसेस रहेंगे रैंक अच्छी आने के। चलो हम बात कर लेते हैं। हाँ मैं इसलिए ही नहीं देता हूँ क्योंकि फिर लोगों के ऐसे कमेंट्स आने लग जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग, वो लोग को दूँ मैं फ्यूचर में, मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है, चलो हम अब बात कर रहे हैं तो उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसे लोगों से चाहता हूँ जो लोग ट्रस्ट करें, जो लोग समझते हो क्रिकेट, जो लोग जीत हार को समझते हो कि अगर हार है तो जीत भी है और जीत है तो हार हार भी है, आप कि कोई ब्लेम वाला गेम ना खेले कि भाई आपने ग्रैंड लीग मिस करवा दिया, स्मॉल लीग में ये हो गया वो हो गया, ये तो प्रिडिक्शन है, मैं आपको टीम दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगे आप खेलो, नहीं अच्छी लगे तो ना खेलो। सो मैं चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है फ्यूचर का, और अगर ये वर्ल्ड कप में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है क्योंकि वर्ल्ड कप में हर कोई खेलना चाहता है और वर्ल्ड कप में रेगुलर मैचेस भी होते हैं तो मज़ा भी आता है। सो अगर ये वर्ल्ड कप में हो गया अगले 10 दिन तक तो और अच्छी बात है, वैसे मुश्किल है वरना मेरे को कोई ऐसी जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 1,000 लोग हों, मैं 1,000 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, ऐसे लोग जो लोग समझते हो कि अगर आप हारते हो सो आप अपनी किस्मत से हारते हो, आप जीतते हो तो आप अपनी किस्मत से जीतते हो, ना मैं आपसे हार हार का मैं वो लेना चाहूँगा कि आप हार गए हो, ना मैं आपका जीत का क्रेडिट लेना चाहूँगा कि आप मेरी वजह से जीतते हो। हाँ मैं आपको पूरी टीम शेयर करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में और मैं उसका चार्ज लूँगा, लेकिन वो चार्ज होगा वो ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा कि आपको यार बहुत महंगा है, वो सिर्फ एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वाला चार्ज होगा कि वो कहने को चार्ज लगे कि सिर्फ 1,000 लोग जुड़ जाएं और वो सिर्फ समझें। मैं एक ग्रुप बनाऊँगा फिर व्हाट्सएप पे और मैं उसमें आपको ग्रैंड लीग के टिप्स और आपको ग्रैंड लीग की पूरी टीम दूंगा जिससे हाई चांसेस रहेंगे कि आप विन कर सको, और उसका चार्ज मैं इतना कम रखूँगा कि यार वो किसी को इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, मतलब कि चाहे कोई अगर वो पैसे दे भी दिए और उसने कुछ चीज़ महीने में यूज़ भी नहीं करी, पूरे मंथ का पैकेज दूंगा और पूरे मंथ में अगर उसने कोई चीज़ यूज़ भी नहीं करी तो भी उसे लगेगा कि यार मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, लोग बहुत महंगा। तो ये मेरा है
बट ये अभी फ्यूचर है, ऐसा कोई ऐसा अभी कुछ नहीं सोचा है। उस टीम में मैं दूँ, वहाँ पर मैं पूरी टीम दूंगा, क्योंकि मैं वो सिर्फ 1000 लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1000 लोगों को मैं गाइड करूँ और देखूँ कि उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और उनको अगर उनमें से यार कुछ लोग भी ग्रैंड लीग आप जीत जाओगे, 1000 में से एक एक बार भी हर किसी ने ग्रैंड लीग जीत ली, सो आप देख लीजिए यार कितना इम्पैक्ट हो जाता है। अगर देखो कल रात मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती, मैंने ब्रमोंट की जगह सी नेशन, तो 2 लाख तो भाई मैं कल जीत जाता। अब मेरा 2 लाख रुपये आप कितने होते हैं, आप खुद ही देख लीजिए आप कितने लॉस में हो। मोस्टली लोग 10-20 हज़ार रुपये लॉस में होते हैं, कोई 5 हज़ार, कोई 7 हज़ार, ठीक है। 2 लाख एक बार में अगर आप आ गए, सो आप देखो ना कितना आप भाई करी बिजनेस तक खोल सकते हो आप 2 लाख रुपये में। सो एक बार आपने ग्रैंड लीग जीतनी होती है, आप फिर पूरे टाइम ऐश करते हो, यही होता है। सो मैं 1000 लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जो पर्सनल ग्रुप हो, लेकिन वो लोग जो मेरे पे ट्रस्ट करते हो और समझते हो। मैच के बाद ये ना बोलें कि आज हार गए या आज जीत गए, जो होगा वो आपकी किस्मत है। आपको समझना होगा कि क्रिकेट है, हार है तो जीत है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि आप सही हाथों में होंगे, क्योंकि आप हमारा रिजल्ट आप देखते हैं ग्रैंड लीग में। आप हमेशा यार कोई ना कोई, अब देखो हर मैच में तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आप मोस्टली मैच, मोस्टली क्या पिछले तो मुझे लगता है हर मैच में हमारी ग्रैंड लीग रैंक टॉप पर ही रह रही है। सो आपको ये पता होगा। सो बस आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भाई शेयर ज़रूर करें यार ये वीडियो को, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप, ये मुझे आपसे लोगों से सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को थोड़ा वायरल बना दो, शेयर करो, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स में जाकर पेस्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो जो लोग ड्रीम इलेवन खेल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ लाओ, क्योंकि जैसे ही अगर मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए इतना कुछ कर दूंगा कि मज़ा आने लगेगा। मुझे अभी से पिछले 2-3 दिन में कमेंट ऐसे आने लगे हैं कि मैं आज तक कि मैं स्मॉल लीग खेलता था, आज कभी विन करता हूँ कभी लॉस करता हूँ, बट पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ग्रैंड लीग विन कर सकता हूँ, ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं। और यही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ हर इंसान में आए, क्योंकि भाई ग्रैंड लीग भी इंसान ही जीतते हैं, वो कोई एलियन नहीं है जो जीत रहे हैं, ठीक है। सो आप नेगेटिव माइंडसेट निकालो, आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग। आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक एन अच्छे गाइड अगर कोई आपको कर देगा। हम जिम जाते हैं, बहुत से लोग पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि वो बॉडी उनकी जल्दी टाइम में बन सके और एक अच्छा रिजल्ट ला सके। सो आपको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है। क्योंकि यार देखो, अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिल गया, मैं अपनी वो नहीं कर रहा, आप कोई भी हो यार, मतलब आप कहीं से भी लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। आपको जिस दिन आपको एक सही गाइडेंस वाला बंदा मिल गया यार, आप ड्रीम इलेवन से महीने के, मुझे अगर आप रोज़ 2000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, सो यार महीने के 30-40 हज़ार तो आप वैसे कमा सकते हो। और एक आधी ग्रैंड लीग अगर आप विन कर गए, सो भाई माशाल्लाह, फिर तो यार मज़ा ही आ जाएगा। सो भाई यही बात है, आपको सही गाइडेंस वाला मिले। सो ये वीडियो को इतना फैला दो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप ये ना सोचो कि मेरा फ़ायदा है या आप ये सोचोगे, लेकिन आप ये सोचो, मैं हमेशा कहता हूँ नेगेटिव कुछ ना सोचो, पॉजिटिव सोचो। बहुत लोग होंगे मेरे भाई जो पता नहीं कह रहे हैं कि हमें इस वाले का रेफ़र कोड दे के 50 रुपये मिल जाएंगे, वो वहाँ भी वो हारते जा रहे हैं यार, परेशान हो रहे हैं लोग। तो थोड़ी सी मदद करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। बाकी मैं हूँ, मैं आपको सारी टीम्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ टेलीग्राम पे, और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन खुद सेलेक्ट करने होते हैं। सो बस आप ऐसे ही करते रहिए, आप बहुत अच्छा अमाउंट विन कर जाएंगे। और फ्यूचर में देखते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे वो 1000 लोग जब भी वो मुझे मिलेंगे, जो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सिर्फ चार्ज, वो सिर्फ चार्ज भी नहीं होगा यार, वो सिर्फ ऐसा होगा आप सोच भी नहीं सकते कि वो बस इतना सस्ता होगा कि कहने को चार्ज है, बट वो इसलिए होगा, नहीं तो फिर बात वही हो जाएगी, फिर सारे वही लोग आ जाएंगे जो ब्लेम करते हैं। सो मैं सिर्फ वही लोग चाहता हूँ जो ट्रस्ट करते हों और जो पॉजिटिव एक थिंकिंग रखते हों, जो समझते हों कि यार ये गेम एक एक तरह की गैम्बलिंग ही है, स्किल का गेम है, बट जीत और हार रोज होती है। सो वो लोग जो समझते होंगे, मैं उन लोगों का ग्रुप बनाऊंगा और उनसे एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक का चार्ज लूँगा कि वो कहने को चार्ज लगे, बट इसने की तो पार्टी भी नहीं होती, इतना कम चार्ज रखूँगा। और उससे हम फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन और स्मॉल लीग टीम हर चीज़ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। फुटबॉल के मैचेस हमारे इतने अच्छे जाते हैं, हम हमेशा ही क्लीन स्वीप करते हैं फुटबॉल के मैचेस। सो हॉकी की भी मैं टीम देता हूँ। सो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, सबसे बड़ी बात
सबसे बड़ा फ़ायदा, मैं कोई ऐप का प्रमोशन नहीं करता, ना मैं कभी करूँगा, ठीक है। सो आपको पूरा दिन वो नहीं होगा, आप ये वाली ऐप ज्वाइन करो, 100 रुपये मिल जाएंगे और उसके फ़ायदे बना रहा हूँ। और ग्रैंड लीग का अमाउंट कितना, 200 रुपये, और आप लोग पूरा टाइम फिर मैसेज करते रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं, भाई मुझे तो बोनस ही नहीं मिला, भाई वो तो विड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है। भाई एक नई ऐप पर क्यों ट्रस्ट करके पैसा फंसा रहे हो, ऐसी ऐप करो ना जो ट्रस्टेड हो, ठीक है, जहाँ पर आप एटलीस्ट सुनवाई तो हो आपकी, ठीक है। सो आप ऐसी जगह खेलो, सबसे बेस्ट है ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन मैं इसलिए खेलता हूँ वहाँ, क्योंकि एक तो ट्रस्टेड है, इंस्टेंट विड्रॉल देती है, सहवाग की कंपनी है, मतलब कंपनी कह रहा हूँ मतलब सहवाग ब्रांड एम्बेसडर है, और काफ़ी ट्रस्ट मैं करता हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और 25% ग्रैंड लीग में उसमें बोनस यूज़ हो जाता है, और 25% बहुत होता है। अगर मैं 250 वाली लीग खेलता हूँ तो मुझे 186 की पड़ती है, 100 और क्या चाहिए। सो इसलिए मैं वहाँ खेलता हूँ, बल्लेबाजी भी अच्छी है। आप बाकी आप और जगह खेल रहे होंगे, मैं किसी और ऐप पे नहीं खेलता, मैं इन तीन पर ही खेलता हूँ, ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन और बल्लेबाजी। और मेरा भी कोई विचार नहीं है कि मैं और कहीं और ऐप पर ट्राई भी करूँ, क्योंकि हाथ सेट है यार, मुझे पता है मुझे कौन सी वेबसाइट पर कैसे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। सो मुझे पता है मैं और कोई वेबसाइट पर इसलिए ट्राई भी नहीं करता। और यार 150 रुपये के लिए क्या इतना करना, थोड़ी सोच बदलो यार। हम बात कर रहे हैं आप ड्रीम इलेवन में लोग करोड़ रुपये जीत रहे हैं, और आप बात कर रहे हो कि मुझे कहीं से वो बोनस मिल जाए 20 रुपये का। सो थोड़ी सोच बदलो, और वो सोच बदलेगी जीत के साथ, जैसे ही आप रेगुलर विनिंग करने लगोगे आपकी सोच बदल जाएगी। सो बस हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो गारंटी तो मैं बिल्कुल नहीं देता, मैं हर बार अपनी स्मॉल लीग टीम देते हुए भी यही करता हूँ कि भाई ऐसा होता है, क्योंकि डर लगता है कि अगर कोई हार गया सो ये ना कह दे कि मैं तुम्हारी वजह से हार गया, जीत गया तो मैं भी उसका भी श्रेय नहीं लेना चाहता, वो भी आपके ऊपर है, आपने मेरी टीम सेलेक्ट करी उस दिन। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई देखो गारंटी मैं किसी की नहीं लेता, बट मैं पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, बस यही मेरी कोशिश है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो भाई लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि कैसी वीडियो लगी, और सब्सक्राइब करो और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ।